की चुनावी पेशकश में हम आपको बताते हैं कि जिस तरह चुनावी दौर शुरू हो चुका है, आपने देखा कि कल चुनावों की तारीखें तय हो चुकी है। उसी बीच आज दिल्ली में चल रहे कांग्रेस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आगे अगर कोई खड़ा हो जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी मुड़कर चले जाते हैं। दिल्ली में चल रहे इंदिरा गांधी स्टेडियम में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले देश में एक चौकीदार आया और कहा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया हूँ, मेरा 56 इंच का सीना है। अब किसी से भी पूछ लीजिए चौकीदार क्या है तो वह बता देगा कि चौकीदार एक चोर है। कांग्रेस का कमाल है कि आप लोग देश के कोने कोने में सच्चाई पहुंचा देते हैं। हमने कुछ सवाल किए थे, चौकीदार संसद में 1.5 घंटे बोला लेकिन अनिल अंबानी के बारे में नहीं बोला। प्रधानमंत्री मोदी आंख से आंख नहीं मिला पाए। कुछ महीने पहले 3 प्रदेशों में चुनाव हुए, हमने वहां कहा कि मोदी जी ने झूठे वादे किए हैं, हम आपसे झूठे वादे नहीं करेंगे। हमने 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया, हमने 2 दिन में यह काम कर दिखाया। आपको तय करना है कि आप गांधी का हिंदुस्तान चाहते हैं या गोडसे का हिंदुस्तान चाहते हैं। एक तरफ प्यार है तो दूसरी तरफ नफरत, वही दूसरी ओर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि गब्बर सिंह टैक्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और भाजपा नेताओं की जूते शर्ट मोबाइल में मेड इन चाइना लिखा हुआ है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।